मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहल पर चल रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से गुरुवार को 8 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से लगभग 12,000 श्रमिक गोरखपुर स्टेशन पर पहुंचे। इस दौरान श्रमिकों को ट्रेन से उतारने के बाद एक एक मीटर की दूरी के घेरे में खड़ा करके बारी बारी से उनकी थर्मल स्कैनिंग की गई और उनका नाम पता नोट किया गया। उसके बाद सभी श्रमिकों को लंच पैकेट, बिस्किट, फल और पानी दिया। फिर उनके जिले की बसों में बैठाकर उनके गंतव्य को रवाना किया गया। बसों में सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए एक बस में 25 से 30 यात्रियों को बैठाया गया। इस संबंध में एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि श्रमिकों की जांच के लिए 13 काउंटर बनाए गए हैं। उस काउंटर पर उनका नाम, पता और कहां से आए हैं, क्या करते हैं, पूरा डिटेल नोट किया जा रहा है और सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए एक बस में 25 श्रमिक को उनके जिलों के बसों में बैठाकर उनके गंतव्य को रवाना किया जा रहा है और एक ट्रेन आने के बाद प्लेटफॉर्म को सैनिटाइज करवा दिया जा रहा है जिससे कि संक्रमण ना फैलने पाए। रिजर्व में 300 परिवहन निगम की बसों को रखा गया है। इस मौके पर एसडीएम सदर, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल, तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित, एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा, एनडीआरएफ की टीम, जिला अस्पताल की जांच टीम, रेल कर्मी एवं जीआरपी के पुलिस कर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए श्रमिक प्रंजल राजकुमार सिंह एवं एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, सत्रह नंबर में जाओ, 17 नंबर। लखनऊ के लोग 34 नंबर बस में बैठेंगे। लखनऊ के लोग 17 नंबर जाएंगे पटौना। सरकार के द्वारा आपको घर तक पहुंचाया जा रहा है, कुछ कहना चाहेंगे? जो पहुंचाना को अच्छा लगा, घर तक सीधे आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। प्रांजल, कहाँ जाएंगे आप? गाजीपुर। वहाँ से यहाँ तक आने में कोई दिक्कत? कुछ नहीं सर, दिक्कत सरकार के द्वारा आपको घर पहुँचाया जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर ही ट्रेन आई है, सभी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए आ रहे हैं और यहाँ स्टेशन पर भी गोले बने हुए हैं जिसमें यात्री क्रम से खड़े होकर अपनी स्कैनिंग करा रहे हैं, अपना नाम पता और घर का
अपना मोबाइल नंबर, कहाँ से आए, कहाँ जाना है, उस स्टेट में क्या कर रहे थे, क्या काम कर रहे थे, और इसके अलावा मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर भी दर्ज किए जा रहे हैं। इसके बाद सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से गोलों में खड़ा करके बसों में बैठाया जा रहा है और उनके जनपद की बसों में 25 से 26 के एवरेज से बैठाया जाता है और बसें रवाना की जा रही हैं। क्या क्या सुविधा दी जा रही है? यहाँ पर फूड पैकेट दे रहे हैं, वाटर बॉटल दे रहे हैं, बहुत छोटे बच्चे जो हैं उनको यहाँ पर चिप्स के भी पैकेट दे रहे हैं, बिस्किट का भी पैकेट दे रहे हैं, इस तरह से उपलब्ध करा। कितने जांच काउंटर और बसों को लगाया गया? 13 काउंटर हैं, उसमें स्कैनिंग का कार्य चल रहा है और इस समय 55 बसें यहाँ कैंपस के अंदर हैं और 250 बसें बाहर लगी हैं। आवश्यकता के अनुसार बसें अंदर आती हैं और उन पर नंबरिंग करके उनके जिले अलॉट किए जाते हैं और उन्हें भेजा जाता है।